जी और आप देख रहे हैं सुहागरात वाला बेड मतलब कह रहे मतलब ये बेड कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, मतलब डेकोरेट कर सकते हैं सब अच्छे से। ये हमारे अंकल का घर है और ये है टॉयलेट, टॉयलेट वॉशरूम और सब है ना, क्योंकि कितने अच्छे से हर चीज बनाई है, मतलब आया है। ये देखो एक चीज बारीकी से, ये देखो हर चीज को एकदम मेंटेनेंस करके सही से। वो सामने टीवी पैनल, कबर्ड, अभी सबको नया ही है। और ये है डोर और अब देखेंगे एक और गेस्ट के लिए छोटा सा गेस्ट वगैरह आया तो उसके लिए हाथ मुंह धोने के लिए टॉयलेट जाने के लिए। और मेरा ये समझाना गाना चल रहा है इधर भी टॉयलेट कवर्ड ये बाजार और ये देखो और का कॉम्बिनेशन पर ये मेरी है पर मैं तो कितने अच्छे से मोर का है देखो और वो तीसरा हूँ और इधर देखो ये मेरा कारवा और ये सोफे देखो कॉम्बिनेशन मोर का ये दोनों गले मिलते हैं। इधर का लाइट का बटन कौन सा है यहाँ होगा यस हाँ अब देखो सुपर्ब एकदम ऑसम आर्किटेक्ट ने बनाया है, आर्किटेक्ट ने अच्छा डिजाइन किया है। और फिर ये देखो गॉड ब्लेस्ड हिम ये विंडो ओपन है रविंद्र की नहीं लॉक लगा हुआ है मेन विंडो है ना इसलिए। और देखो अभी मैं बाहर का दिखाता हूँ, दिन में बारिश हो रही थी किचन तो देखा ही नहीं। ये किचन एंट्रेंस कुछ हमें ज्यादा ही फैला दिया है, किचन को इस तरह से इतना ऑसम बना रखा है, एवरीथिंग बॉटल्स के लिए इस पर कप रखा है, कॉर्नर बॉटल भर रखे है पानी के सोडा के और मतलब ऑसम बना रखी है क्या ही दिखाने के लिए कुछ है। और हम चले बाहर दिन भर बारिश हो रही थी अभी भी हो रही है पर बहुत कम हो रही है। दिस इज कॉल्ड नेचर विल्ला फूल पौधे कितनी खूबसूरती से लगा रखे हैं। यो देखो व्यू घास नीचे गार्डन यहाँ पर पहुँच सकते हैं हम पार्क में जाके यहाँ बिल्ला ही बिल्ला है इसकी कीमत 8 करोड़ है 8 करोड़। और देखो वो मेरी हीरोइन बैठी है ये देखो ऑसम है हर चीज को बारीकी से बनाया गया ध्यान में रख रख के एक एक चीज को। यहाँ देखो बैठने के लिए कितना खूबसूरत है यहाँ पे लाइट जलाओ चार्जिंग पॉइंट भी देता है ये लाइट जल गई और हम आराम से बैठ के यहाँ चाय पी सकते। देखो कैसा व्यू आ रहा है मौसम सा तो काफ़ी खूबसूरती से बनाया है जिसे जन्नत कहने में कोई बुराई नहीं है अगर कह दूँ तो। अभी नया नया ही बना है अभी देखो गार्डन बना है फूल रंग बिरंगे हैं
और देखो कितना औसम लग रहा है ना, मस्त ड्रीम हाउस है मेरा। हर जगह आपको बिल्ला ही मिलेगा यहाँ, बिल्ले 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 एंड बिल्ले, देखो उधर बिल्ले बिल्ले। बारिश हो रही है अभी भी, जिंदगी में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो अच्छी सोच रखते हो और सबका भला सोचते हो और उनका जो पथ है और सबसे बड़ी सोच रखते हो कि वो काम क्या कर रहे हैं, मतलब वो पैदल चल रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं या एरोप्लेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, डिपेंड करता है वो चीज़, वही सफलता का राज है। जो जैसे जैसे चलता है, जो जिस गाड़ी पे बैठा है, जिस माध्यम पे बैठा है अपने डेस्टिनेशन को जाने के लिए, कुछ लोग अपनी यात्रा से तय करते हैं अपनी मंजिल, कुछ लोग मंजिल तय करके किससे यात्रा करनी है वो तय करते हैं, बस सोच का फर्क है। बाकी ये राजीव तो यही कहेगा, बी पॉजिटिव, सोच अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, काम सबके लिए होना चाहिए, भोजन हिताय और भोजन सुखाए के लिए, तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और हम्बल होना है, डाउन टू अर्थ रहना ज़रूरी है इंसान को, क्योंकि इंसान के अंदर भरी वो जो गुण होते हैं ना अच्छे अच्छे, जो सभी लोगों में नहीं पाया जाता, उन्हीं के बदौलत आगे बढ़ता है इंसान, वरना तो लोग ज़िंदगी घिस देते हैं, पूरा कुछ नहीं कर पाते हैं। एक इंसान बहुत कम उम्र में भी बहुत कुछ कर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि दो नंबर का काम करने से होता, चार नंबर कुछ नहीं, सारे जो बड़े लोग हैं दो नंबर का ही काम करते हैं क्या, दो नंबर का कहीं नहीं टिकता, एक नंबर से ही निकल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईमानदारी से अच्छे काम किए जाए सही तरीके से, प्लेटफॉर्म का फ़र्क है, प्लेटफॉर्म कि आप किससे यात्रा कर रहे हैं। सीधी सी बात है, साइकिल से जाओगे अगर मुंबई दिल्ली से तो उसमें हो सकता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगे, बस से जाओगे तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन लगे, ट्रेन से जाओगे तो हो सकता है 15-16 घंटे लगे, एरोप्लेन से जाओगे तो 1.5-2 घंटे, बस इतना ही सा है, मैं यही कहूँगा। डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म क्या है, ट्रैक इट्स मोस्ट, और उससे भी बड़ी चीज़ है हमारी सोच। जब तक हम तय नहीं करेंगे कि हमें जाना क्या है, करना क्या लाइफ में, और एक सिर्फ होता है कि हाँ करना है बस, थोड़ी सोच के छोड़ दो, कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ। आगे बढ़ने के लिए सोच के साथ साथ करना भी ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, हर एक कदम पे, हर एक चीज़ से, पीएमबल बाहर रह दो, पोलाइटनेस, संबल, डाउन टू अर्थ, ज़मीन पे जुड़ा रहना चाहिए इंसान। आसमान में उड़ना कोई गलत नहीं है, पर ज़मीन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फ्यूल तो कब तक ही साथ देगा, आना तो ज़मीन पर ही ना, ज़मीन से बहुत प्यारा संबंध बना के रखना चाहिए, तो साथ देता है ऊंचाई भरने में। बाकी बहुत हो गया ज्ञान की बातें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके जो जो देख पा रहे हो मुझे सुन पा रहे हो शेयर किया। मेरा जो व्यापार है योटाजोन के माध्यम से, हर चीज़ हर प्रोडक्ट हर सेक्टर में डील करते हैं, yotazone.com से है, आप वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, yotazone के नाम से सर्च कर सकते हैं, yotazone राजीव के नाम से सर्च कर सकते हैं। मोस्टली हर प्रोडक्ट हमारे पास है, हम सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, हर एक छोटे से सेक्टर से बड़े, तो उसके लिए उतने नॉलेज भी इकट्ठा करा, पढ़ा लिखा, उसके अलावा भी अलग से ज़मीन से जुड़ा रहा, ज़मीन से कहते हैं ज़मीन से, हर चीज़ को बारीकी से परखा है, अच्छे बुरे बहुत बुरे समय को से गुजरा, इतनी सी उम्र में कोई खास उम्र नहीं हुई है मेरी अभी, पर हाँ बचपने में भी रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बचपने में जो खुशी रहती है बड़ा होकर कहाँ मिल पाता है वो, इसलिए मैं खुश रहना चाहता हूँ जीवन में, और मैं इसलिए बच्चा बन के रहता हूँ, मज़ा आता है ना, क्योंकि उसके लिए कोई पाबंदियाँ नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती, किसी चीज़ की कोई शर्म हया लज्जा कुछ नहीं होता, बस सही क्या है गलत क्या है वो देखते हुए आगे बढ़ते रहता हूँ। तो ये कहूँगा, हाथ दुख गया है मेरा मतलब आपको भी अगर सोचा है आपने आगे बढ़ना, मैं बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ, आप मेरी सहायता भी ले सकते हैं अगर चाहे तो, मेरा
क्योंकि किसी की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किसी की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, किसी का सपोर्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। इससे कोई छोटा नहीं बन जाता या मैं बड़ा नहीं बन जाऊँगा। मुझे मदद करके खुशी होती है। मेरा मकसद ही भोजन भोजन हिताए भोजन सुखाए। और इसके साथ ये कहूँगा मेरा कंपनी का मकसद ही है कि भारत में देखो, इस कंपनी का मैंने एस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया है ताकि मैं भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी और गरीबी, इन दोनों को, और तीसरा है अज्ञानता, अन एजुकेटेड पीपल की वजह से हमारे देश की जो स्थिति है बहुत बेकार से बदतर हो गई है, इसकी वजह से भी ये मैंने ये सोचा है करने का। अब वो गाना गा रहा है मेरा भाई, सॉरी। तो इतना ही कहूँगा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सोच को बड़ा करो और सबके लिए अच्छा सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, तो जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। और टांग खींचने में किसी का मतलब हो, और या ये देखने में मतलब हो कि उसका बेटा क्या कर रहा है, तू भी कर, तू क्यों नहीं करता, उसका बेटा छोटा है, तू इतना बड़ा है, कुछ नहीं करता, ये वो सब बेकार की बातें हैं। जिसको पता है जो करना है वो खुद कर लेगा। ज़बरदस्ती करने से कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें टूट जाती है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप खुद ही समझदार है क्या करना है क्या नहीं।